दोस्तों साल 1993 में आई शाहरुख खान की सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म बाजीगर, जिसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। और दोस्तों लोग इसके सीक्वल को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बाजीगर फिल्म काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। और दोस्तों उसमें शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी, काजोल, दलीप ताहिल, जॉनी लीवर सभी के किरदारों को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था। और दोस्तों उस मूवी की स्टोरी सभी को काफ़ी पसंद आई थी। और साथ ही साथ बाजीगर फिल्म के सभी सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा चार्ट बास्टर हुए थे, जो कि लोगों की जुबान पर आज भी बने रहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अब बाजीगर 2 को लेकर खबरें जोरों शोरों से गर्म हो रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जल्दी फिल्म के डायरेक्टर अब्बास मस्तान फिल्म का सेकेंड पार्ट बाजीगर 2 बनाना चाह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसी न्यूज़ भी है कि शाहरुख खान ही एक बार फिर से हमें इस मूवी में देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अभी बीते दिनों अब्बास मस्तान से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि बाजीगर 2 कब आएगी, तो दोस्तों उन्होंने कहा कि हम बाजीगर 2 की अच्छी स्टोरी पर काम कर रहे हैं, जैसे ही हमें अच्छी स्टोरी मिलेगी हम इस पर काम शुरू कर देंगे। अगर आप लोगों के पास बाजीगर 2 के लिए कोई अच्छी स्टोरी है तो हमें दे दीजिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ऐसा कहा। और दोस्तों तभी से ही बाजीगर 2 को लेकर फैंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि फिल्म के डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि बाजीगर 2 बनाई जाए, और दोस्तों जल्द ही उनके पास बाजीगर 2 के लिए कोई अच्छी स्टोरी आ जाएगी जिसे वे लोग कर देंगे। और दोस्तों यानी कि आप लोग मान सकते हैं कि बाजीगर 2 मूवी हमें 2026 या फिर 27 तक ही देखने के लिए मिलेगी। वैसे दोस्तों आप लोग बाजीगर 2 फिल्म का कितना ज़्यादा वेट कर रहे हो, प्लीज़ हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा।